इस संपूर्ण राज्य से जो ओबीसी बिरादरी के लोग हैं, 55% प्रतिनिधित्व ओबीसी का है, उनका जो प्रमोशन का जो मामला है उस पर इन्होंने ग्रहण लगा दिया। आज प्रमोशन के मुद्दे पर ओबीसी का जो हक अधिकार था 14% का, उसको इन्होंने समाप्त कर दिया। परिणामी वरीयता का जो बिल आज आया है, इस बिल के माध्यम से अगर आप देखेंगे कि मान लीजिए किसी का अपॉइंटमेंट होता है और 8 साल के बाद उसको प्रमोशन मिलता है, किसी को अगर वरीयता दिया जाएगा 1 साल का, तो उसकी वरीयता हमेशा के लिए तय कर दी गई। अब अगर कोई ओबीसी का व्यक्ति किसी अन्य कैटेगरी के व्यक्ति के तुलना में अगर वो जूनियर इंजीनियर के पद पर ज्वाइन करेगा, तो उसके कॉम्पिटिटर्स जो है वो सुपरिटेंडेंट इंजीनियर, इंजीनियर इन चीफ बन जाएंगे और ये एग्जीक्यूटिव इंजीनियर तक भी नहीं बन पाएगा। आपको ध्यान होगा कि बाजार समिति, जो कि सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का अड्डा था, उसमें 1% कर जो है वो पिछले सरकार के समय में लगाया जाता था, जिसको रघुवर जी की सरकार ने आकलन किया कि ये टैक्स कम कलेक्ट होता है और जो लोग हैं अधिकारी पदाधिकारी, इनके जेब में ज्यादा पैसा जाता है, इसलिए इसने कर को विलोपित कर दिया था। आज पुनः बिल ला करके उस टैक्स को पुनर्जीवित किया जा रहा है और राज्य में जितने भी व्यापारी हैं, जितने भी किसान हैं, सबों को पुनः इंस्पेक्टर राज की तरफ ढकेला गया है। तो अगर आज आप देखेंगे तो राज्य की तमाम जनता, तमाम ओबीसी और तमाम कृषक और व्यापारियों को आज सदन के भीतर इस जेएमएम की सरकार और कांग्रेस की सरकार और आरजेडी की सरकार ने मारने का काम किया है। अब